मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। अब की बार बोर्ड पर बार डीजे सर की सार्थकता को आप लोग को सिद्ध करना है, और इसके लिए आप लोग कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल का लिंक जो है अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है, ताकि डीजे सर चैनल का एक बड़ा परिवार बने और जो भी टॉपर्स की लिस्ट बने उसमें कहीं ना कहीं से डीजे सर चैनल से एचडी किए हुए छात्र निकल कर सामने आए। आज के सेशन में लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो आपका जो पेपर है इतिहास का। तो हिस्ट्री के जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग इस वीडियो में जुड़े रहेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में। और ये जो मॉडल पेपर है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। देखिए, समय जो मिलता है आप लोग को पेपर देने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का पेपर मिलता है। पूर्णांक जो होता है वो 100 नंबर का होता है, और निर्देश जो होता है 15 मिनट आपको क्या मिलता है, परीक्षार्थियों को मिलता है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। नोट में आप जान रहे हैं कि सभी प्रश्न क्या अनिवार्य हैं, और यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी में, अति लघु उत्तरी में और लघु उत्तरी में, विस्तृत उत्तरी प्रश्न में, तो ऐसे सभी देखिए ऐतिहासिक तिथियों व मानचित्रों के आधार पर इस प्रकार से आपका एक खंड बना होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं खंड क को आप सभी लोग। तो खंड क में देखिए हम लोग का पहला जो सेशन मिलता है डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं आपको। क्या मिलते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों में देखिए क्या होता है कि 1 नंबर का आपका ये होता है और पूरा 100 नंबर मिलता है आपको, 4 आपको मिलते हैं विकल्प के रूप में। उस विकल्प में आपका क्या होता है, एक राइट आंसर होता है, जो राइट आंसर होता है आप उसको क्लिक करके आगे निकल जाएंगे, या तो क्या करेंगे आप इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा उसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार देखिए आप लोगों को 10 यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न मिल रहे हैं। सभी जो प्रश्न इसमें देखिए सिलेक्ट किया गया, सभी जो प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए क्वेश्चन, जैसे 6वां आपको क्वेश्चन दिख रहा है, हुमायूं नामक रचना किसने की थी, बंगाल में स्तंभदारी स्थायी बंदोबस्त लागू कब किसने किया था, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि देखिए प्रश्न पूछा गया है, चौरी चौरा जो होता था या चौरी चौरा जो है प्लेस, इसमें देखिए चौरा चौरा चौरी चौरा जो कांड हुआ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए असहयोग आंदोलन संबंधित था। 10वां देखिए क्या है, संविधान संवाद ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न है। तो इस प्रकार से जो खंड का हम लोग का खत्म होता है उसमें क्या होते हैं 10 बहुविकल्पी प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग खंड ख की ओर। खंड ख में देखिए आपको क्या मिलता है, अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज मिलती है। क्या मिलता है? अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज मिलती है। उसमें क्या होता है, आपको 2 से 3 लाइनें आपको उत्तर लिखना होता है। जैसे देखिए 11वां आपका प्रश्न क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी। देखिए इसमें हरियर और बुक्का नाम के जो भाई जो थे ना, बड़ा फेमस ये है विजयनगर, और विजयनगर साम्राज्य से कुछ ना कुछ अति लघु में, लघु उत्तरी में, बहुविकल्पी में कुछ ना कुछ पूछता रहता है, इसलिए डिस्कशन इसको जरूर देखें। अब यहाँ पर देखिए 12वां भी प्रश्न आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13वां भी देखिए आपका क्या संबंधित, बुद्ध के जीवन संबंधित स्थानों का क्या संबंध है, लुम्बिनी किससे संबंधित है, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, किन किन बातों के लिए संबंधित है, ये आधा आधा नंबर है। नंबर भी देखिए आप लोग को सम्मुख दिखा रहता है, आप सम्मुख नंबर देख लीजिए कि कितने नंबर का क्या है, हम इसको अगर उत्तर देते हैं तो कितना नंबर मिलता है। 1857 के विद्रोह में 2 प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं के नाम लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी विस्तृत में यह प्रश्न पूछता है आपका, और कभी कभी अति लघु में पूछता है, लघु उत्तरी में पूछता है। 15वें प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, देखिए संविधान संबंधित आपका प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग खंड ग की ओर। खंड ग में डियर स्टूडेंट देखिए हम लोग का क्या है, खंड ग में हम लोग का जो है लघु उत्तरी प्रश्न है। लघु उत्तरी प्रश्न में क्या होता है, 5 से 6 लाइनें आपको लिखना होता है, या 50 से 60 शब्दों में, 50 शब्दों में मिनिमम आप मानने चलिए कि आप लोग को लिखना पड़ेगा, और उसमें जाना ही आपके अति लघु में 10 से 20 शब्दों में आपको लिखना होता है। लघु उत्तरी में आप देख रहे हैं यहाँ प्रश्न जो है सभी के सभी जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप देखिएगा जब भी प्रश्नों में कोई डाउट होगा, दिक्कत होगी, तो मैं फिर आप लोग को उसमें समझाऊंगा। खंड घ में हम लोग पढ़ते हैं, देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको पूछा गया इसमें, और सभी जो प्रश्न देखिए 22, 23, 24, तो दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न उसमें मिलता है आप लोग को 10 नंबर में लिखना होता है इसका आंसर, और इसमें अथवा करके भी आपको मिलता है। जो 15 मिनट आपको स्टार्टिंग मिल रहा है आप उसमें पहले इस बात का डिसाइड कर लीजिए कि आप किसमें ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं, तो इसलिए डिस्कशन से आप दीर्घ उत्तरी में इस बात का याद रखिएगा। अब खंड गम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे ऐतिहासिक घटनाक्रम के, ऐतिहासिक घटनाक्रम में मैंने एक वीडियो बना रखा था इतिहास में, उसमें जाकर देखिए डिस्कशन सब्जेक्ट किस समय मैंने किस बात को किया है, डिस्कशन किया हुआ था। देखिए एक एक नंबर के होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरा नंबर आपको 100 मिलता है। एक एक नंबर को आप हल्के मत लीजिए, वो सभी आप लोग को टॉपर भी बना सकते हैं। 26वां देखिए आपका प्रश्न में क्या है, ये मानचित्र संबंधित कार्य है, मतलब दर्शाने के लिए भी मिलता है और करने के लिए मिलता है। देखिए ये जो आपका प्रश्न है केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये आप लोग का सेशन समाप्त होता है, और मैं इसका पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा।